हिमालयन यू इन ट्रबल, लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ लिया था है ना, अब इससे आगे पढ़ेंगे। द हिमालयन यू इन ए ट्रबल, जो हिमालयन यू है ना ये एक जानवर का नाम है, सॉरी एक मेडिसिनल प्लांट का नाम है ये। हाँ ये जो है ना हिमालयन यू जो तो हिमालयन यू जो है इसका साइंटिफिक नाम है टेक्सस वालचाइना, ठीक है, टेक्सस वालचाइना इसका साइंटिफिक नाम है और ये एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट जो दवाइयों में यूज होता है और ये हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिलता है। और कहाँ पर मिलता है, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलता है, ठीक है ना, और जिस प्रकार का इसमें जो केमिकल मिलता है उस केमिकल का नाम क्या है, टैक्सोल, ठीक है ना, टैक्सोल इस केमिकल का नाम है। और इसे एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, बार्क से। बार्क मतलब क्या होता है, प्लांट की जो छाल होती है, लकड़ी वाली जो छाल होती है प्लांट पर लगी हुई होती है उससे निकाला जाता है, निडल्स, और निडल्स से निकाला जाता है। निडल्स मतलब क्या होती है, जिस पर प्लांट की पत्तियाँ आती हैं ना, तो बीच में जो लकड़ी होती है ग्रीन कलर की उससे निकाला जाता है, और रूट से निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में और इस प्लांट्स का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, हम इस प्लांट का एनरिचमेंट करते हैं और इसको हम ट्रीट करते हैं। किसके लिए ट्रीट करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इस प्लांट का ट्रीटमेंट कहाँ किस किस यूज़ में किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। कैसे, क्योंकि इस प्लांट की जो बार्क से जो हम इसको प्लांट को निकालते हैं ना, उसकी मदद से हम कैंसर की दवाइयाँ बनाते हैं, और उस दवाई के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, कैंसर का इलाज करने के लिए उस दवाई को। क्योंकि अब इस प्लांट का इतना क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है कि इस दवाई से कैंसर का इलाज होता है और ये दवाई हमें इस प्लांट से मिलती है, इस वजह से इस प्लांट को काटना बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इस प्लांट को काटने लगे और लोगों को ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा इस प्लांट का। इस वजह से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में देखा जा रहा है कि काफी एक डिकेड से जो है ये प्लांट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, पॉपुलेशन इस प्लांट की कम हो रही है। अब देखो, अब इसमें क्या है, जैसे हम किसी भी प्लांट किसी भी एनिमल के रहने का स्थान को अगर ख़राब कर देंगे तो वो एनिमल वहाँ रह नहीं पाएगा। अब वो रह नहीं पाएगा तो वो कुछ दिन के बाद सर्वाइव करना बंद कर देगा, तो क्या होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, हंटिंग होगी, पोचिंग होगी, ठीक है ना, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, पॉइजनिंग होगी। इन सब ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, हमारे भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं अलग अलग प्रकार के, इन सबको ख़त्म करते हैं। क्योंकि उनके अगर हम उनको काट देंगे तो भी वो ख़त्म हो जाएंगे, ओवर एक्सप्लॉयट करेंगे तो भी वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का एक इम्पॉर्टेंट कॉज ये भी है कि अनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब क्या है, तुम किसी एक प्लांट को इतना ज़्यादा खा ले रहे हो कि अब उसकी पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया, वो जब तक उसे खाए जा रहे हो खाया जा रहा जब तक कि वो बचा हुआ है। और दूसरा प्लांट ऐसा है, दूसरा एनिमल कोई ऐसा है मतलब कि जिसके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके अनइक्विटेबल कंजप्शन हो रहा है। कोई एक चीज़ तो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गई है और दूसरी चीज़ ऐसी जिसको अभी तक यूज़ भी नहीं किया गया है, तो इसको क्या बोला जाता है, इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल का डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि पहले अगर दो रोटी की जरूरत थी, अब चार रोटी की जरूरत चाहिए, चार रोटी की जरूरत है तो जंगल और ज़्यादा काटने पड़ेंगे, और ज़्यादा जगह पर खेती करनी पड़ेगी, और ज़्यादा जगह पर खेती करनी पड़ेगी, तो क्या होगा, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। अमेरिकन क्या करते हैं, अमेरिकन का जो अमेरिकन के पास जो रिसोर्स है, अमेरिकन जो कंज्यूम करते हैं 14 टाइम्स मोर रिसोर्स देन एन एवरेज सोमालियन, यानी सोमालियन जो जगह है वो कहाँ पे, अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में जो रहने वाले सोमालियंस हैं उनसे 40 गुना ज़्यादा जो रिसोर्स है, संसाधन है, उनका यूज़ कौन करता है, अमेरिका करते हैं, है ना। और देखो इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडिया की जो रिचेस्ट 5% सोसाइटी है, वो सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज करती है, यानी हम अगर 100% लोग हैं उसमें से 5% जो बहुत अमीर हैं, वो बहुत अमीर लोग ही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, इकोलॉजी को डैमेज करते हैं, ठीक है ना। और पुअर पर्सन है, बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन है जो 25% है, उनकी बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनवायरनमेंट के ठीक रखने के पीछे। और जो 5% जो बहुत ज़्यादा एलीट क्लास के लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं। देखो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनमें से आधे से ज़्यादा जो है ख़त्म हो चुके हैं, 1/3 जो है वो वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब क्या होता है, पानी जो